गुड मॉर्निंग। आज हम जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन भारत में होता है, विभिन्न प्रकार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, और वहाँ पे बहुत सारी हमारा भारतवर्ष का बारे में आता है, जीके के बारे में आता है, डेमोग्राफिक बारे में आता है। आइए मैं आप लोग को वो डेमोग्राफिक बारे में जानकारी दूंगा, जो शायद आप लोग को ये ज्ञान मिलने के बाद आप लोग को कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में मदद आएगा। भारतवर्ष में सर्वप्रथम में मैं बताऊंगा कि भारत का रैंक सारा विश्व में कितना है और कितना कंट्रीज के अंदर में डेमोग्राफिक जो रैंकिंग इंडिया का बना गया है उसका डिटेल्स, और ये सोर्स किसी आधार पे बनी है और इसकी डिटेल्स विस्तृत तो क्या है मैं बताऊंगा। शायद आप लोग को ये जानकारी बहुत महत्व रखेगा और आपको सक्सेस करने में मदद भी करेगा। आइए सर्वप्रथम में भारत की जो पॉपुलेशन जनसंख्या के बारे में, ये सारा 207 कंट्री के ऊपर में जो वर्ल्ड मीटर जो होता है गणनाकारी जो मशीन उससे गिनती किया गया था। 207 कंट्री के अंदर में भारत का रैंकिंग दो पोजीशन में है, कितना दो पोजीशन में, सेकेंड रैंकिंग इन द वर्ल्ड, जिसमें आज ऑन डेट करीब करीब 140 करोड़ से ज्यादा लोग बास करते हैं, करीब 139.8 करोड़ की लगभग थे और आज ऑन डेट अगर देखेंगे 140 करोड़ से पार हो चुका है। आइए पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में जानते हैं। इंडिया का रैंकिंग सारा विश्व में 21वां पोजीशन में, 21 रैंक में है, जो इसको वर्ल्ड बैंक के हिसाब से सोर्स जो होता है इसका वर्ल्ड बैंक होता है। आपको जो जानकारी ये होगा, करीब करीब 5,54,938 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर में बसबास करते हैं। वन सेकेंड मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये जो डाटा लिया गया था 2018 में वर्ल्ड बैंक हिसाब से, जो पॉपुलेशन डेंसिटी भारत का 21 रैंकिंग वर्ल्ड में था उस वक्त 4,54,938 पीपुल्स एक पर स्क्वायर किलोमीटर के अंदर में दायरा में थे। एंड फर्टालिटी रेट इंडिया का रैंकिंग जो है 102 वर्ल्ड बैंक के हिसाब से इसका सोर्स था। द टोटल फर्टालिटी रेट इन इंडिया वाज 1.98 चिल्ड्रन पर वोमेन इन 2021 के आसपास में था। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ये ईयरली जो लिया जाता है 107 रैंकिंग है, 216 कंट्री को अगर हमने हिसाब से लिया था जो वर्ल्ड बैंक हिसाब से लिया था, और अभी जो 2021 के आसपास में जो ईयर एंडिंग में था इंडिया पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन द ईयर 2021 वाज 1.09%। जो एरिया है भारत की जो क्षेत्रफल है वो 7th रैंक इन द वर्ल्ड, और ये जो सोर्स है यूनाइटेड नेशंस स्टैटिस्टिक डिवीजन से UNSD जो कहते हैं, और आपको ये जानकारी होगा 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर हमारा भारत का क्षेत्रफल। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, ये बहुत बार आता है, इंडिया का जो क्षेत्रफल का रैंकिंग है 7th पोजीशन इन द वर्ल्ड एंड 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर की हमारा क्षेत्रफल है। नेट माइग्रेशन रेट जो है इंडिया एक नंबर में है, और ये 194 कंट्री के ऊपर में सर्वे किया गया था, इसको माइक्रो ट्रेंड्स जो है वो संस्था उसको सर्वे किया था, और इसका जो करंट नेट माइग्रेशन रेट फॉर इंडियन 2020 इज नेगेटिव में गया, अभी -0.369 पर 1000 पॉपुलेशन एंड 3.66% डिक्लाइन फ्रॉम 2019 से 2020 में, अभी डिक्लाइन स्टेज में है। मतलब इससे पता चलता है भारत में माइग्रेशन जो है कम है, क्योंकि ये जो हमारा प्रेजेंट सरकार है आत्मनिर्भर स्वच्छ भारत साझेदारी जनभागीदारी बहुत सारी
सरकार की जो योजनाएं हैं, मुद्रा नीति, ये सारी में रिटेंशन ज्यादा होने लगा है। ये गुड सिम्टम फॉर आवर कंट्री। ऐसे भी नेट माइग्रेशन में वन है। तो नेट माइग्रेंट्स जो आते हैं, आने वाला है, तो ये सेकंड पोजीशन में है भारत। एंड ये 194 देश को लेके सर्वे किया गया था, इसको भी वर्ल्ड बैंक सर्वे किया था। आया पॉपुलेशन, पॉपुलेशन डेंसिटी, फर्टिलिटी रेट, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट एंड एरिया, नेट माइग्रेशन एंड नेट माइग्रेंट्स, ये डेमोग्राफिक ऑफ द कंट्री, उसकी पोजीशन, उसकी रैंकिंग और इन द वर्ल्ड सिनेरियो में कैसा है, मैं आप लोग को बताया। ये आपको महत्वपूर्ण काम आएगा। तो आप इसको ठीक से मेरे बात को, स्लाइड को स्लोली आप प्ले करिए, ताकि कि आपको जानकारी मिलेगा। धन्यवाद।